है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आज काइज़ मैं आपके पास ये एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ गाइस ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का गाइस ये थ्री सिक्सटी डिग्री रिवॉल्विंग मेकअप ऑर्गेनाइज़र है तो ये गाइस मैंने अनबॉक्स करके बाहर निकाल लिया है और मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या मुझे uh, मिला था कि इसके जो असेंबली है वो कैसे होगी वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा तो गाइज़ ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा जब मैं इसको असेंबल करूँगी एंड इस पर लिखा है ये थ्री डिग्री रोटेटिंग कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र है एंड इसके पास एक लीफलेट भी दे रखा है इसका मैनुअल कि इसको किस किस तरीके से स्टेप वाइज मुझे करना है एंड ये गाइस कुछ रबर्स दे रखी हैं इसका यूज़ मैं आपको असेंबल करते वक्त बताऊंगी तो गाइस तो ये देखिए ये पार्टीशंस है दो पार्टीशंस हैं जो एक बहुत ही अच्छे से पैकिंग में आए थे ये एक पार्टीशन है और ये दूसरा वाला पार्टीशन है एंड गाइज ये जो डी है ये इसको मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखा रही हूँ स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स इसमें सारे स्टेप्स लिखे हैं कि दोनों पार्टीशंस को आपस में जोड़ के ऊपर नीचे के जो ये प्लेट्स दे रखी हैं उनमें रूफ में और बॉटम पार्ट में जॉइन करके और आपको बीच के पार्टीशंस में लगाना है और फिर सामान को सेट करना है तो गाइज अब मैं आपको एक एक करके क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ ये वो वाले पार्टीशंस है जिन पर आप अपना सामान को रखेंगे एंड ये गाइज रूफ है हमारे ऑर्गेनाइजर का एंड गाइज ये स्टैंडिंग पार्टीशन है वर्टिकल पार्टीशन जो होंगे एंड गाइज ये बॉटम रिवॉल्विंग है गाइज ये देखिए पूरा रिवॉल्व हो रहा है इसके ऊपर हमारा सारा सामान रिवॉल्व होगा तो गाइज ये वाला बेस मैंने नीचे रख दिया है रिवॉल्विंग वाला एंड ये जो इसमें कॉर्नर में मार्क्स बने हुए हैं इसके ऊपर आपको अपना पार्टीशन फर्स्ट पार्टीशन रखना है दोनों में से कोई भी पार्टीशन आप रख सकते हैं एंड इस पार्टीशन में भी जो पार्टीशन है उसमें आप अपना दूसरा वाला पार्टीशन ऐड करें एंड गाइज ये देखिए ये ऑलमोस्ट हाफ डन हो गया है एंड ये जो रबर्स है ना गाइस ये आपको नीचे इसमें लगाने हैं ताकि जब आप सामान रखें ये हिले नहीं और ये गिरे नहीं तो यहाँ पर जो सारे कॉर्नर्स हैं ना जहाँ पे आपने पार्टीशन लगाया था वहाँ पे आपको अपने रबर बैंड्स लगाने हैं ताकि ये फिक्स हो जाए फर्म हो जाए और आप इसको सामान उतारते वक्त निकालते वक्त इसको उठाते वक्त ये गिरे नहीं ये टूटे नहीं ये बिल्कुल फर्म रहेगा तो गाइज मैंने सारे रबर बैंड्स लगा दिए हैं अब गाइज़ ये है रूफ़ तो आपको रूफ़ इस तरीके से लगानी है कि जो इसमें आप ऊपर भी सामान रख सकते हैं तो इस रूफ़ में भी गाइस जो रबर्स हैं वो आपको लगानी है ताकि वो एकदम फिक्स हो जाए स्टैंडिंग रिवॉल्विंग ऑर्गेनाइजर में तो मैंने चारों रबर बैंड्स गाइज लगा दिए हैं एंड गाइज़ ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है ये बिल्कुल रेडी हो गया है एंड अब हमें इसमें बीच के पार्टीशंस लगाने होंगे आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपके पास बड़ी वाली बॉटल्स हैं नहीं तो ये फ़ोर पार्टीशंस है फ़ोर कॉर्नर्स के लिए तो आप अपने सामान के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इसमें लगा सकते हैं तो ये जो रबर बैंड है गाइज ये दो दो रबर बैंड अब आपको इधर लगाने हैं फोर रबर बैंड अब यहाँ पे नहीं लगेंगे अब दो दो रबर बैंड्स लगेंगे जैसा सामान की हाइट होगी गाइज वैसा आपको इसको एडजस्ट करके लगाना है अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप मुझे ये चेंज करना है तो इसकी यही खासियत है कि आप इसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं अपना रबर बैंड उतारें सामान के अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट करें प्लेट की और कर दीजिए एंड गाइस देखिए अब मैंने अपना एक एक करके सामान रखना स्टार्ट कर दिया है आप अपने परफ्यूम्स रख सकते हैं छोटा सा सामान रख सकते हैं आप अपने क्रीम्स को रख सकते हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं आप अपनी डेली वेयर ज्वेलरी इसमें रख सकते हैं वॉचेस रख सकते हैं कोई भी सामान गाइस जो आपको डेली में लगता है और आपको लगता है कि आपका वो सामान फैल जाता है मेरे रब बैंड क्लचर्स हैं गाइज टिक पेंस होती हैं एंड क्लचर्स होते हैं जो हमारा सामान हमेशा फैला रहता है आपका छोटा वाला क्लचर होता है पर्स होता है एंड जो भी आपकी वॉचेस हैं वो भी आप रख सकते हैं एंड गाइस छोटा वाला सामान आप प्रूफ पे रख सकते हैं एंड गाइज और भी बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है आप देख सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सामान रख सकते हैं गाइज मैंने सोचा था कि मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ भी इसमें रख लूँगी तो मैंने वो पार्टीशन दोबारा से एडजस्ट किया है एंड अपने सारे मेकअप ब्रशेज़ मैंने ऊपर रख लिए हैं क्योंकि ये भी गाइज हैंडी चाहिए होते हैं बहुत बार तो नीचे मैंने अपने परफ्यूम्स रख लिए हैं क्योंकि उनकी हाइट भी ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने वो नीचे वाला हाइट ज़्यादा बड़ा कर लिया एंड गाइस देखिए मेरा रिवॉल्विंग मेकअप ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए अपनी लिपस्टिक्स और काजल ब्रो पेंसिल लिप लाइनर भी गाइस मैंने इसी में रख लिए हैं क्योंकि ये डेली की चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं का आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो एंड गाइज़ देखिए बिल्कुल बहुत स्मूदली रिवॉल्व हो रहा है एंड मेकअप रिमूवर भी और क्रीम भी गाइस मैंने इसी में रख ली है क्योंकि मेरे पास इसमें जगह बची हुई थी अभी भी इसमें काफ़ी सारा सामान गाइस आ जाता है तो गाइस चार के हिसाब से इसके अंदर एट पार्टीशंस हो जाते हैं एंड गाइस रूफ पे भी आप सामान रख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलते हो आपको अपनी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय